फॉरगिवनेस, माफ कर देना। कोई आपके साथ चाहे कितना भी बुरा करे, माफ कर दे, क्योंकि माफ करने से इत्मीनान कल्ब नसीब होता है। ये नहीं कि फुला ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ इससे बढ़ के बुरा करूं, मेरी आने वाली नस्लें बदला लेंगी। नो, सब कुछ भूल जाएं। किसी की दी हुई तकलीफ पर एक बार मुस्कुरा कर कहें, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ जो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। फिर अल्लाह जाने और अगला शख्स जिसने आपके दिल पे चोट लगाई है। दिल के बोझ हल्के करने हों तो माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांगना भी। याद रखें कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो इंसान को माफ़ नहीं करता और खुदा से ये उम्मीद करता है कि खुदा उसे माफ़ कर दे। बदला लेने वालों से मत डरो, माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह लेता है। मक्का वालों ने चांद के दो टुकड़े देखे तो कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर जादू कर दिया। पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा तो कहा, इन पर जादू कर दिया। मक्का वालों ने जंगे बदर में फरिश्ते देखे लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। जंगे खंदक में शिकस्त खाई लेकिन ईमान नहीं लाए। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लश्कर के साथ दाखिल हुए लेकिन उन्होंने कलमा ना पढ़ा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैतुल्लाह का दरवाज़ा पकड़ कर कहा कि जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, तो उन सब ने कलमा पढ़ लिया और ईमान ले आए। ये माफ़ करना इतना बड़ा अमल है, अफसोस हमने इसको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजसी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। एक और जगह आपने फरमाया, माफ़ करने की आदत और हौसला पैदा करो। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने इंसान के गुनाहों की पर्दापोशी की। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह जाहिर हो जाते तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। माफ़ करना सबसे ज़्यादा उसे ज़ेब देता है जो सज़ा देने पर कादिर हो लेकिन इसके बावजूद माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे। हो गई है भूल तो दिल से माफ़ कर देना, अरे हो गई है भूल तो दिल से माफ़ कर देना। सुना है सोने के बाद हर किसी की सुबह नहीं होती।